कि जहाँ इनकाउंटर हुआ है वहाँ पर दो टेररिस्ट छिपे हुए हैं, तो फिर सीआरपी पुलिस वहाँ गई। जब सर्च शुरू हुआ मिलिटेंट ने पहले हमारे जवान पर फायर किया, जिसमें हमारे एक जवान इंजर्ड हो गए, फिर भी बहादुरी से फायर करते आगे बढ़ा और उस मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज कर दिया। ये मिलिटेंट जो है, जैसा कि आप सबको पता है कि जाहिद दास है, जो ISJ का अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का चीफ था, इसके अंदर 5 मिलिटेंट थे। दूसरा यावर भट्ट था, जो कि पिछले 30 तारीख इनकाउंटर मारा गया, उसके साथ और मारा गया, टोटल 3 मारे गए हैं, 2 और बच गया है। इसकी जितने ये बारे सारे किलिंग इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले 2019 में नवंबर में एक सज्जाद मुफ्ती साहब के PSO को मार के वहाँ से उनका गन लेके भाग गया। फिर अप्रैल में इस साल गोरीबन में एक CRPF जवान पर पिस्टल से फायर किया, वो शहीद हो गए। फिर 26 जून को एक CRPF जवान पर फायरिंग किया, जिसमें एक हमारे जवान शहीद हो गए, एक 6 साल का बच्चा भी शहीद हो गया। उसी दिन आप लोगों से हम लोग शेयर किए थे, उसके नाम पर BNM FIR लॉन्च किए थे, सोशल मीडिया में इसको दिए थे, हमने ट्वीट भी किए थे, पेपर भी आया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ा क्रिमिनल था और इसके मारे जाने से सिक्योरिटी फोर्स के CRP पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिले हैं। सर, अभी टॉप जैसा कि आपने बताया है कि कुछ 12-13 मिलिटेंट्स हैं जो आपकी टॉप पर हैं। ऑलरेडी ये पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों को नाम लिखा दिए, प्लीज उसको कंसल्ट करें। 12 मिलिटेंट हैं, उसमें HM का 5 है, LAT का 3 है और उसमें JS मोहम्मद का 4 है। सर, मई के महीने से अब तक श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स और श्रीनगर में 3 बड़े मिलिटेंट अटैक्स हुए हैं, क्या? नहीं, अटैक नहीं है, सॉरी, अटैक नहीं है, ये हमारे साइड से प्रोएक्टिव एक्शन था। हम लोग इन्फॉर्मेशन वाला पिन पॉइंट CRP पुलिस ने जाके कॉर्डन किया, मिलिटेंट ने फायर किया, हम लोग उसको रिटेलिएट किए, ये इनकाउंटर में मारा गया, ये कोई अटैक नहीं है। श्रीनगर में मिलिटेंट प्रेजेंस है, मैंने बार बार आप लोग कहते आया किसी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ इनकाउंटर नहीं हुआ है, ये होता है, इसका मतलब नहीं वहाँ मिलिटेंट नहीं है। मिलिटेंट हर जगह जाके छिपते हैं, अपना सेल्टर हाइडआउट बदलते रहते हैं, एट ए रन है, हम लोग इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं और इन ऑपरेशन लॉन्च करके उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। श्रीनगर ऐसा सिटी है कि यहाँ मिलिटेंट बार बार आता है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, कोई फंड लेने के लिए आता है, कोई फर्दर मीटिंग के लिए आता है। इसलिए यह कहना कि श्रीनगर मिलिटेंट फ्री रहे कभी नहीं हो सकता है, यहाँ मिलिटेंट आते रहेंगे, हम लोग को खबर मिलता जा रहा है, हम लोग इनकाउंटर करते रहेंगे। थैंक यू सर।